सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से सभी लोग हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज जो है स्पेशली बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रिजल्ट के रिगार्डिंग ही बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसा है वैसा है। तो भाई एक्चुअली में उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके वीडियोस के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जा रहा है। स्पेशली एक दो चीज़ों के रिगार्डिंग मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से जो है लोग कमेंट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उनका कहना यह है कि जो सीआई सेफ कॉन्स्टेबल फायरमैन की आपकी 1721 पोस्ट की वैकेंसी थी, यानी 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, अब ये आपकी 1721 हो गई है। तो उनका कहना यह है कि इस वैकेंसी में हमें बताया गया था कि आपका जो एंसोर की है उसे 3 से 4 दिनों के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन जब एंसोर की आई तो पता चला कि उसमें जो है कुछ गलतियां हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो गलत हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि ऑब्जेक्शन लगाया है। तो उनका कहना ये है कि क्या रिवाइज्ड एंसर की आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि जो लोग पूछ रहे थे कि रिवाइज्ड एंसर की रिगार्डिंग, कि रिवाइज्ड जो आंसर की आती क्या ये आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों बेसिकली आपको मैं बता दूं क्लियर कट में कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है ये जारी होने की संभावना बहुत कम है, और बहुत ही कम है, यानी लगभग नहीं आएगी एक तरह से आप देख करके चलो। और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो भाई आप थोड़ा सा वेट कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आपकी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। हाँ, हालांकि जिन कैंडिडेट्स ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया है उनका जो ग्रेस मार्क्स है 1 नंबर 2 नंबर जो है, जितने नंबर का उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है ये उनको मिलेगा 100% श्योर है। लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्होंने भी अपना सब चीज़ देखते हुए भी उन्होंने ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, यानी उन्होंने बेसिकली हम कहें कि ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं, तो क्या उनका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली चांस कम है होने का, इस वजह से, क्योंकि अगर पेपर में निगेटिव मार्किंग होती तो आपके चांस बनते, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिस वजह से बहुत लेस मात्रा का चांस है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। जहाँ तक बात रहा कि सेफ स्कोर वगैरह की, कैंडिडेट्स बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर कट ऑफ मेरा 78 है, 68 है, ये है। तो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ के ऊपर एक अप्रोक्स दोनों सेपरेट वीडियो में डाल चुका हूँ सभी स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया का, अकॉर्डिंग टू देयर वैकेंसी। और अप्रोक्स एक बार मैं फिर से कह देता हूँ कि स्पेशली कुछ स्टेट का जो हाईली कट ऑफ वाले स्टेट हो गए, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ठीक है, और भी बिहार वगैरह में जो नक्सल है, नक्सल को छोड़ करके जनरल वालों के लिए अगर आपका 80+ है, ठीक है, 80+ अगर आपका स्कोर है, 80-85 के आसपास अगर आपका स्कोर है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी वालों की, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। लेकिन जो कैंडिडेट से बाकी अदर स्टेट से, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, आसाम, त्रिपुरा वगैरह हो गया, फिर एससी एसटी कैटेगरी से हो गया, किसी भी स्टेट का, तो अप्रोक्स अगर आपका 75 के आसपास भी स्कोर है तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। तो अराउंड दोस्तों आपके जो रिजल्ट जारी होने की ऑफिशियल जो डेट हम कह सकते हैं संभावित तिथि है, वो इसी महीने की लास्ट तारीख तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और अगर आ जाते हैं तो बेटर रहेगा, लेकिन आपको रिजल्ट से पहले एक चीज़ मैं आपको सावधान कर देता हूँ कि आपके रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगी, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप सारा चीज़ प्रिपेयर रखिए, ठीक है। आपका रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, मे भी चांस है कि रिजल्ट इस वीक के, यानी सॉरी इस वीक के बाद, यानी सेकेंड वीक तक, इस वीक के लास्ट वीक, यानी जो इस मंथ का लास्ट वीक है, हालांकि इसके यही है, लेकिन इसके बाद जो आपका 2-3 दिन बचेगा ना, उसमें चांसेस है आपके रिजल्ट जारी करने के। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का टेंशन छोड़ दो, आपने पेपर दे दिया है, आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो रिजल्ट का टेंशन एकदम छोड़ दो अपने मन से, जिस दिन रिजल्ट आएगा लिस्ट में आपका नाम होगा अगर आपने अच्छा स्कोर किया है। तो वो बेसिकली दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का स्कोर लग रहा है कि कम है, तो आप दूसरे एग्जाम के ऊपर भी फोकस करो, जैसे SSGD वगैरह हो गया कि आपका वैकेंसी अब रिलीज हो चुकी है, और स्पेशली जो उसका एग्जाम डेट SSGD वाला आ गया है, आपका MTS का है, किसी भी चीज़ का है, तो आप दूसरे के ऊपर भी फोकस करो, डिपेंड एक पे ही मत रहो। अगर आपने स्कोर अच्छा किया तो आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम होगा, ये 100% श्योर है, और अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन तैनात रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं तो दुआ करूँगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए, सभी लोग जाएँ, देश की सेवा करें। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर, मैं होप यानी आशा करता हूँ ये। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।